गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले जानवर खैर होंगे। तो आज है 9 मुहर्रम, तो मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान। क्यों जा रहा हूँ वो आप देखेंगे, क्यों मैं जा रहा हूँ। कल 10 मुहर्रम है, तो आपको पता है कि 10 मुहर्रम को सारे कब्रिस्तान कब्रों पर जाते हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। आज 9 मुहर्रम है, तो मैं जा रहा हूँ अपने अबू की कब्र धोने। तो सैम मेरे साथ जा रहा है, सैम और रहील। तो रहील बाइक निकाल के खड़ा है, तो सैम यहाँ पे खड़ा है बाल्टी लेके। बाल्टी के अंदर कपड़ा है, लाले के हाथ में बोतल है। तो आइए चलते हैं फटाफट। गाइस तो मैं आ चुका हूँ कब्रिस्तान से वापस। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे खेतों में, मैं खेतों में आकर बैठ गया। वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, लेडीज़ आ रही थी। तो अगर मैं वीडियो बनाता तो उन्हें कहना था कि भाई हमारी औरतों की वीडियो बना रहा है, तो हमारे इलाके में भी मसला है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ खेतों में, शाम होने वाली, शाम बल्कि हो चुकी है। शाम में सूरज आप देख सकते, सूरज गुरूब हो चुका है। यहाँ पर सूरज बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, सूरज डूब गया है। और यहाँ पर जो तिल की फसल थी, देखिए यहाँ पर तिल उन्होंने काट के किस तरह से लेबर ने संभाल के रख दी है। तो देख किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन में रखी है। आके जब इनमें से तेल निकाले जाएंगे, तो एक गट्ठा उठाया, उसको ड्रम पे मारा और तेल निकाल लिया। तो ये थोड़े से दिनों में ये भी करेंगे, इसमें से तेल निकालेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ हमारे दरवाज़े के सामने लग रही है, बाड़, जिसे हम बॉर्डर कहेंगे। वो क्यों लग रही है वो मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ कह रहे हैं जिनके जैसे हमारे जानवर हैं गाय बकरी भैंस, तो हम तो बांध के रखते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे जो बिल्कुल नहीं बांधते, इनकी फसल के अंदर छोड़ देते ताकि खा पी के वो खुद ही आ जाएँ। जैसे उन्होंने यहाँ पे कपास का उजाड़ा कर दिया, और यहाँ से वहाँ पे जो सामने फसल देख रहे हैं उधर उसका भी उन्होंने उजाड़ा कर दिया उनके जानवरों ने, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ठेका देती है आर्मी, तो मेरे साथ ही है आर्मी का कैंप। तो उन्होंने ठेकेदार ने आर्मी वालों को कहा कि भाई हम आगे और नहीं ठेका ले सकते अगर आप जब तक हमें यहाँ पर वायर नहीं लगा के देते। तो यहाँ पर अब लग रही है थोड़े दिनों तक वायर, ताकि कोई जानवर अंदर नहीं एंटर हो पाएगा। तो पहले भी लगी थी वायर, जानवरों ने सारी तोड़ के वो बाहर तोड़ के फिर भी उनकी फसल को तबाह कर दिया। लेकिन इस बार कह रहे कि करंट हाई स्कोटी में वो बनाई जाएंगी वायर्स, और उनके अंदर करंट छोड़ा जाएगा। तो जब बनेगी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कल है 10 मुहर्रम, तो कल जाएंगे कब्रिस्तान। तो आज मैं कब्र धो के आ गया हूँ अबू की, वो कब्र मैंने साफ़ कर दी थी। अब मेरा तो दोस्त खड़ा था, वो कह रहा था कि मैं धो दूँगा, तू बस साफ़ कर दे, कपड़ा ऊपर मार दे कब्र पर, मैं धो दूंगा। क्योंकि उन्होंने ना साथ ही मेरे अबू की कब्र के साथ ही उसकी कोई रिश्तेदार हैं, उनकी कब्र थी और वो उसको पक्की बना रहे थे। पहले कच्ची थी तो उसको सीमेंट से पक्की कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई तूने पानी मार तो हमारा सीमेंट उड़ जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई मैं साफ़ कर देता हूँ, पानी बाद में तुम मार देना। उनका ठीक है भाई हम धो देंगे। तो अब पता नहीं उन्होंने धोया होगा कि नहीं, तो उम्मीद तो है। दोस्त मेरा भाई, यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स का, तो हर साइड पर भाई दोस्त बनाया करो। तो मेरे पीछे आसानी हो रही हैं, तो वो सामने सूरज भी खड़ा किधर गया, वो सूरज कह रहा सॉरी, वो चांद का आधा पीस का टुकड़ा चांद का आपको नज़र आ रहा होगा, मुहर्रम का चांद है। तो यहाँ पे एक और चीज़ किधर गया, यहाँ पे एक कुत्ता है खड़ा, काटने लगे मुझे।